सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना है कि ये नया साल आपकी जिंदगी में खुशियां, बहार और सुख लेकर आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने मुकाम को हासिल करें। हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आर एस कैंपस बाय के डी शर्मा, जहाँ पे आज हम कक्षा 8 के गणित विषय का चैप्टर नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। उसके जो दो तीन तरीके हैं वो देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से समझे और किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। आपके सामने एक प्रतिरूप मतलब कुछ संख्याएं दी हुई है, वो किस प्रकार से आई है यह आपको देखना है। तो सबसे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर मान लेते हैं, इसको बी स्क्वायर मान लेते हैं और इसको सी स्क्वायर मान लेते हैं। इन तीनों को मानेंगे तो इनके बराबर अपना क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। रूल नंबर फर्स्ट क्या बन गया अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। पहली बात, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर किसके बराबर होगा, डी के स्क्वायर के बराबर। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, ए को बी से गुणा करेंगे, ए को गुणा करेंगे बी से, तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, सी प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, अगर सी में वन ऐड कर देंगे तो डी प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों चीजों पर ध्यान देते हुए अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको एक और तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है और फिर से दो का स्क्वायर क्या होगा, चार हो जाएगा, बराबर क्या है, तीन का स्क्वायर नौ है, तो चार चार आठ और एक नौ, जो मैंने बात कही थी वही थी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो देखो ए बी सी के बराबर, ए बी सी आया, ये ए बी सी का मान क्या आ गया अपना, नौ, और ये किसके बराबर है, डी के मान के बराबर। ठीक है, पहली बात, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे है दो का स्क्वायर, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ठीक है, ए के साथ में क्या है, बी है, ए को बी से गुणा करेंगे तो सी आ गया, क्या आ गया, सी आ गया, ए को गुणा किया बी से, तीन दूनी छः। अब इस सी में प्लस वन कर देंगे तो सिक्स में वन प्लस करेंगे तो कितना आ गया, सेवन आ गया। वही बात है, सातों सात 49 होता है, 36 होता है, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 36 चार 40 और 49 बराबर 49। सेम बात है, आगे देखो, अब इस पे जाने की जरूरत नहीं है, तीन रूल फॉलो करो और क्वेश्चन कंप्लीट करो। यहाँ पे ए और बी है, इन दोनों को गुणा कर दो, ए को बी से गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, 12 में एक ऐड करेंगे, सी प्लस वन करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे तो 13 आ गया, कौन आ गया, डी आ गया, समझ में। अब देखो यहाँ पे जो खाली स्थान बनना है, जो रिक्त स्थान बनना है, उसका स्क्वायर में लिखना है। तो स्क्वायर करने से पहले जो संख्या आएगी वो क्या होगी, देखिए ए को बी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो पाँच चौका 20, 20 का स्क्वायर, इस 20 में वन ऐड कर देंगे तो ये आ गया, डी आ गया अपना। अगला देखो, अगले में ये संख्या ज्ञात करनी है तो 30 कैसे आया, तो वही बात, इसका डिवाइड कर दो, जो 30 है, जो सी है, और अपन को क्या निकालना है, बी निकालना हो तो सी में एक का भाग दे दो, सी कितना है, 30, 30 में पाँच का भाग दे दो, 5 6 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये नियम याद रख लो यहाँ पे। इसके बाद में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी ज्ञात करना है, तो ए को बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 6 7 2 42 आ गया स्क्वायर वाला,
संख्या आ गई सी, 42 स्क्वायर। अच्छा सी आ गई तो डी ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, सी में प्लस वन कर दो तो 42 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 स्क्वायर हो जाएगा, 43 स्क्वायर। ये अपने आंसर आ गए। जहां जहां ब्लैंक बनने थे मात्र ये चार रूल होंगे, 1 2 3 4। फिर से समझिए, अगर एक को 20 से गुणा करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है, और इन तीनों का योग डी के बराबर होगा, दो बात। और सी में अगर एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा। अगर आपको बी या ए ज्ञात करना हो तो ए ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सी में भाग दे देंगे बी का, और अगर बी ज्ञात करना हो तो सी में भाग दे देंगे ए का। तो इस प्रकार से आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जितने भी यूज करते हैं उन सभी पे आपको इसको शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको वीडियो को पहुंचाना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।